स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के साथ ज्ञान नगर निगम वार्ड संख्या 35 की भावी प्रत्याशी हेना कौशल निवेदक मोहम्मद साबिर अंसारी की रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शामिल होकर पूरे मोहल्ले अपने वार्ड में उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। साथ ही मोहम्मद साबिर अंसारी ने बताया कि हमारे वार्ड में जो विकास होना था वो धरातल पर नहीं हो पाया है, जिसे जीतने के बाद मैं कर दिखाऊंगा। वार्ड की जनता के लिए पहले भी कार्य करता रहा हूं, आगे भी जीतने के बाद भी उसी तरह से लगातार तन मन के साथ मैं वार्ड की जनता के लिए कार्य करता रहूंगा और विकसित वार्ड आदर्श वार्ड बनाकर दिखाऊंगा। चुनावी जनसंपर्क पर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है जनता से? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के दुआ से और समस्त वार्ड जनता वार्ड 35 की जनता से भरपूर सहयोग मिल रहा है, जन सैलाब मिला हुआ है। लोग पहले से ही हमें पसंद करते आते हैं, इस बार उनको एक मौका मिला है कि हमें विजेता घोषित कर सकते हैं। जनसंपर्क के दौरान क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के लिए? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वार्ड लगभग सभी वार्ड कुछ वार्डों से बहुत अच्छा वार्ड है, लेकिन उससे भी बेहतर करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। यहाँ पे सरकारी स्कूल की व्यवस्था और रोड नली गली आप लोग देख रहे हैं कि कितना बेहतर बना हुआ है। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था मैंने किया हुआ और जितने से ज़्यादा योजनाएँ होंगी सरकारी लाभ में उन लोगों को पहुँचाने का काम करूँगा। जनता जिताती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? स्वच्छता, उनकी बातों को सुनना, उन्हें रिगार्ड करना, क्योंकि जब तक मैं उनको सुनूंगा नहीं, उनको समझूंगा नहीं, मैं अपने मन से कुछ करूंगा नहीं। उनकी जो भी भावनाएं हैं मैं उनको अपने समक्ष निगम में रख करके उनकी सारी कामनाओं को पूरा करूंगा। चुनावी मौसम में तो वादे सभी करते हैं मगर खड़े नहीं करते हैं। आप पता कर सकते हैं, मैं पूर्व में भी यहाँ पे बहुत बिना पार्षद रहे निगम में, मेयर से, डिप्टी मेयर से, मैं जदयू में हूँ तो विधायक फंड से बहुत सारा काम करवाते आया हूँ और करता रहूँगा। परिचय देंगे पूरा? मोहम्मद साबिर अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड, सह सदस्य बिहार सरकार, सुन्नी वक्फ बोर्ड। क्या ये जदयू की चुनाव हो रही है क्या? नहीं, ये अभी इस बार पार्टी बेसिस पे नहीं है, ये जनता का मोहब्बत था जो मैं इस बार कैंडिडेट के रूप में उन लोगों के बीच उपस्थित हुआ। क्या जदयू का रूप दिया जा सकता है कि जदयू का प्रत्याशी के रूप में? इस बार तो अभी ऐसा कोई रूप नहीं दिया जा सकता है। रुको, आगे रुको,